सोलो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट है 6 लाख से 7 लाख रुपीस ऑन रोड और आप एक न्यू कार खरीदने का विचार बना रहे हैं भारतीय बाजार में, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए जिसमें आपको ज्यादा स्पेस मिल सके और एक प्रीमियम सेगमेंट की कार आपको काफी कम प्राइस में यानी कि 6 से 7 लाख रुपीस ऑन रोड में चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 से 7 लाख में आने वाले जो बेस मॉडल कार्स है यानी कि जो प्रीमियम कार्स होती है जिनकी प्राइस अप्रोक्स टॉप मॉडल की प्राइस 10 लाख के आसपास तक जाती है, अगर उन कि अगर बेस मॉडल लेना चाहते हैं तो वो आपको 6 से 7 लाख रुपीस में काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपको कम प्राइस में बड़ी गाड़ी मिल जाती है, साथ ही आपको अच्छा इंजन मिल जाता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है एंड काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है। बात करें नंबर 7 वाली गाड़ी की, तो वो है मारुति की स्विफ्ट। मारुति की स्विफ्ट में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी तो नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी लोग इसे काफी ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। तो इसका बेस मॉडल आपको 6 से 7 लाख रुपीज में ऑन रोड मिल जाता है। सो बात करें इसके बेस वेरिएंट की, तो इसका बेस वेरिएंट LXi आपको पेट्रोल में 6,70,000 रुपीज के आसपास ऑन रोड मिल जाता है। अगर आपको माइलेज चाहिए अपनी गाड़ी में तो आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं, बाकी आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी से एसेसरीज इसमें आप जो बेसिक फीचर्स है वो लगवा के इस गाड़ी को एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सेफ्टी नहीं मिलती, इसीलिए मैंने इसे 7 नंबर पे रखा है। बात करें 6 नंबर वाली गाड़ी की, तो वो है वॉक्सवैगन की पोलो। वॉक्सवैगन की पोलो भी आपको 6 से 7 लाख रुपीज में ऑन रोड इसका बेस वेरिएंट मिल जाता है, जिसकी अप्रोक्स प्राइस की बात करें तो इसके 1.0 लीटर MPI ट्रेंडलाइन की प्राइस आपको नियर अबाउट 7 लाख रुपीज ऑन रोड में पड़ जाती है। इसके इंजन स्पेक्स की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं वॉक्सवैगन की जो गाड़ियां होती है वो काफी ज्यादा फन टू ड्राइव एंड काफी पावरफुल गाड़ी होती है, तो इसमें आपको 999cc का 1.0 लीटर MPI पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 75.10 BHP की पावर जनरेट करता है एट 6,200 RPM। 95 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी इसका माइलेज 17.74 KMPL का क्लेम करती है, साथ ही इसमें आपको 3,971 mm की लेंथ मिलती है, 1,682 mm की विड्थ मिलती है एंड 1,469 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील फ्रंट में पावर विंडो मिल जाती है, रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलती, साथ ही एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे बेसिक फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नंबर ऑफ 2 एयरबैग्स मिल जाता है ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड, और इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफी शानदार है और इसने 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी अचीव कर रखी है। बात करें 5th नंबर वाली गाड़ी की, तो वो है ग्रैंड आइटन नियोस। ग्रैंड आइटन नियोस भी 6 से 7 लाख रुपीज के बजट में काफी ज्यादा सेल होती है और ये काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी भी है, क्योंकि इसमें आपको बेस से ऊपर वाला वेरिएंट अंडर 7 लाख रुपीज में मिल जाता है। तो बात करें ह्युंडई ग्रैंड आइटन नियोस के वेरिएंट की, जो कि आपको नियर अबाउट 7 लाख रुपीज ऑन रोड मिल जाता है, जो कि इसका मैग्ना पेट्रोल वेरिएंट। मैग्ना पेट्रोल वेरिएंट आपको नियर अबाउट 7 लाख रुपीज ऑन रोड में मिलता है। साथ ही अगर बात करें इसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन की, 1,197cc का 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 81 BHP की पावर जनरेट करता है एंड 130 Nm तक का ये आपको टॉर्क जनरेट करके दे देता है। बात करें फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की, तो इसका जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो 20.7 KMPL तक का माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर बात करें इसके डायमेंशन कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 3,805 mm की लेंथ मिलती है, 1,680 mm की विड्थ मिलती है एंड 1,520 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर की बात करें तो इसमें आपको सारे जो बेसिक फीचर्स है जैसे कि पावर स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, एयर कंडीशनर, रिमोट ट्रंक ओपनर, वैनिटी मिरर, लो फ्यूल वार्निंग लाइट जैसे काफी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपका बजट 6 से 7 लाख रुपीज है और एक वैल्यू फॉर मनी कार लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स जो होते हैं वो मिल जाए और आपको काफी अच्छी बड़ी दिखने वाली गाड़ी मिल जाए, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है। इसका आप बेस मॉडल भी ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको फीचर्स नहीं मिलते। इसमें आपको फ्रंट एंड रियर में स्पीकर मिल जाता है, इंटीग्रेट 2D का ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, USB ऑक्सिलरी यूनिट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, रेडियो मिल जाता है, यानी कि एक डिसेंट आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट 6 से 7 लाख रुपीज है और आप एक टॉप मॉडल नहीं बेस मॉडल ही लेना चाहते जिसमें आपको बड़ी गाड़ी मिल जाए कम प्राइस में, तो ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकता है। बात करें 4th गाड़ी की, तो वो है रेनॉल्ट की काइगर। रेनॉल्ट की काइगर भी काफी अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी आपको काफी अच्छा वेरिएंट मिल जाता है 6 से 7 लाख रुपीज में। सो बात कर रेनॉल्ट काइगर की, तो रेनॉल्ट काइगर का जो RXC DT वेरिएंट है वो आपको 6,70,000 रुपीज में मिल जाता है। इस वेरिएंट की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो RXC DT वेरिएंट में आपको 1.0 लीटर का एनर्जी 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 71.01 BHP की पावर जनरेट करता है, 96 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो 18.48 KMPL तक का ये गाड़ी माइलेज क्लेम करती है। साथ ही डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो इससे 4 मीटर सेगमेंट की SUV है, तो इसमें आपको 3,991 mm की लेंथ मिलती है,
1750 mm की विड मिलती है एंड 1605 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको फ्रंट में पावर विंडोज़ मिलती है, पावर स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टेयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। बात करें इंटीरियर फीचर्स की तो इसमें आपको टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लो कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक जैसे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडलाइट्स, मैनुअली एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर, व्हील कवर्स, साथ ही पावर एंटीना देखने को मिल जाता है। बात करें एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की तो इसमें आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, वो आपको एज एन एसेसरीज ही लगवाना पड़ता है। बाकी ओवरऑल ये गाड़ी की बात करें तो अगर आप एक सब 4 मीटर सेगमेंट की SUV लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है। बात करें नंबर 3 वाली गाड़ी की तो वो है निसान की मैग्नाइट। निसान मैग्नाइट एंड रेनॉल्ट टिगर सेम ही इंजन एंड सेम ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, सिर्फ इनका जो लुक है वो डिफरेंट है, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन काफी अच्छा साबित रह सकता है अगर आप कम बजट में एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो। इसकी XL वेरियंट आपको 720,000 रुपीज का ऑन रोड मिल जाता है। XL वेरियंट में आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं रेनॉल्ट टाइगर के मुकाबले। बात करें इस वेरियंट के फीचर्स की तो इसमें आपको 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, 71.02 bhp की पावर जनरेट करता है, 96 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। साथ ही फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो 18.75 km तक का ये माइलेज जनरेट करती है। साथ ही डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें इसमें आपको 3994 mm की लेंथ मिलती है, 1758 mm की इसमें आपको विड्थ मिल जाती है, 1572 mm की इसमें आपको हाइट मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं जैसे पावर स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, फ्रंट एंड रियर, पावर बूट, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एसेसरी पावर आउटलेट जैसे काफी सारे फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं और काफी शानदार वेरिएंट आप इसे कह सकते हैं। बाकी इसमें आपको टेकोमीटर, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, ग्लो कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल ऑडोमीटर जैसे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बेसिक और एक्सटीरियर फीचर की बात करें तो इसमें आपको पावर एंटीना, टिंटेड ग्लास, रियर स्पॉइलर जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंटी थेफ्ट अलार्म, 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करते हैं इसमें आपको रेडियो, स्पीकर, फ्रंट एंड रियर में इंटीरियर 2 DIN का ऑडियो सिस्टम, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलता है। साथ ही इसमें आपको जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम वो आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलता। बात करें नंबर 2 गाड़ी की तो वो है रेनॉल्ट की ट्राइबर। रेनॉल्ट की ट्राइबर भी एक 7 सीटर MUV है जो काफी ज्यादा पॉपुलर है भारतीय बाजार में। ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है जिससे ये गाड़ी 7 सीटिंग कैपेसिटी के साथ आने वाली काफी सस्ती एंड काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आपका बजट कम है और आपकी फैमिली बड़ी है और 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो ये गाड़ी भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रह सकती है। इसका RXL वेरियंट आपको 7 lakh rupees ऑन रोड में इंडिया में मिल जाता है, यानी कि 7 lakh rupees में अगर आपका बजट एक 7 सीटर गाड़ी लेने का है तो रेनॉल्ट ट्राइबर ही आपके पास एकमात्र ऑप्शन जो कि आपको काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है और इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको बेस से ऊपर वाला वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि है इसका RXL वेरिएंट। RXL वेरिएंट के अगर हम बेसिक फीचर्स एंड इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 999cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 71 bhp की पावर जनरेट करता है एंड 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सेम ही ये आपको रेनॉल्ट जो काइगर है उसमें भी देखने को मिलता है। फ्यूल एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो 20 km तक का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। डायमेंशन कैपेसिटी की बात करें तो 3990 mm की इसमें लेंथ मिलती है, 1739 mm की इसमें विड्थ मिलती है एंड 1643 mm की इसमें हाइट मिल जाती है। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें तो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग व्हील, पावर विंडो, रियर फ्रंट में आपको देखने को मिल जाती है, पावर बूट देखने को मिल जाता है, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील जैसे काफी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको रेडियो, फ्रंट में स्पीकर, इंटीग्रेटेड 2 DIN ऑडियो सिस्टम, USB एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाता है। ये भी काफी वैल्यू फॉर मनी कार है अगर आपका बजट कम है तो। बात करें नंबर 1 कार की तो वो है टाटा की अल्ट्रोस। टाटा की अल्ट्रोस जैसा कि आप जानते हैं इंडिया की सेफेस्ट कार मानी जाती है हैचबैक में, तो इसका भी काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपको अंडर 7 lakh rupees में मिल जाता है। अगर आप इसका पेट्रोल में XC वेरिएंट लेते हैं तो वो आपको नियर अबाउट 6 lakh 70,000 rupees का ऑन रोड पड़ता है। और अगर इसी में अगर आपको बेसिक फीचर जैसे कि सेंट्रल लॉकिंग, इंटीग्रेट 2 DIN ऑडियो सिस्टम एंड फ्रंट में आपको पावर विंडोज जैसे बेसिक फीचर्स चाहिए तो आप इसका XZ रिदम पैक भी ले सकते जो कि आपको नियर अबाउट 7 lakh rupees में ऑन रोड मिल जाता है। बात करें इस वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन की तो टाटा अल्ट्रोस XC में आपको 1199cc का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 88 bhp की पावर जनरेट करता है, 130 Nm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। काफी पॉपुलर गाड़ी है ये भारतीय बाजार में जिसने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव कर रखी है और इसकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा भारतीय बाजार में बढ़ रही है। इसमें फीचर्स तो आपको कुछ भी नहीं मिलते लेकिन अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की
और अगर आप कंपनी से इसका एग्जिट एकदम पैक लेते हैं तो वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाता है, क्योंकि उसमें आपको फैक्ट्री फिटेड इन्फोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, पावर विंडो जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बनाता है। और अगर आप इसमें जो टॉप मॉडल वाले एलॉय लगवा देते हैं तो ये आपको एकदम टॉप मॉडल वाले लुक देती है, तो ये भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, भारतीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। तो फ्रेंड्स यही 7 कार थी जो कि आपको 6 से 7 लाख रुपीज़ में मिल जाती है, जिनमें आपको फीचर्स तो नहीं मिल पाते लेकिन काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बड़ी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गाड़ियों से रिलेटेड इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल मिस्टर मोटो बीएचपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स मैंने गाड़ियों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।